हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आज हम 9 मार्च 2019 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएंगे जिसे आपको नोट करते हुए चलना है। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा गया था। क्वेश्चन था, आज़ादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस थे पंजाब, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, गुजरात। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, नई दिल्ली। आज़ादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अब आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, औसफ सईद को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं भूटान, मलेशिया, सऊदी अरब, ईरान। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, सऊदी अरब। औसफ सईद को सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में सेसल्स में भारत के राजदूत हैं। 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी सईद दिसंबर 2005 से सऊदी अरब के राजदूत अहमद जावेद का स्थान लेंगे, यानी कि अभी तक यहाँ के राजदूत थे अहमद जावेद, अब यहाँ पर सऊदी अरब में इनकी नियुक्ति हो रही है। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए ये है वर्ल्ड मैप और इसमें सऊदी अरब, ये है सऊदी अरब। यहाँ की कैपिटल है रियाद, करेंसी है यहाँ की सऊदी रियाल, और यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूएनडीपी में किसे सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं पद्मा लक्ष्मी, श्री श्री रविशंकर, प्रियंका चोपड़ा या फिर सचिन तेंदुलकर। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, पद्मा लक्ष्मी। पद्मा लक्ष्मी को यूएनडीपी में सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। भारतीय अमेरिकी टेलीविजन व्यक्तित्व और खाद्य विशेषज्ञ पद्मा लक्ष्मी को यूएनडीपी ने सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है, जो दुनिया भर में असमानता और भेदभाव के खिलाफ एक लड़ाई का समर्थन करेंगी। यूएनडीपी, यूएनडीपी का फुल फॉर्म जानिए, यूएनडीपी इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। इसकी स्थापना 25 नवंबर 1965 यानी कि 1965 में की गई थी और इसके हेड हैं एकिम स्टीनर, एकिम स्टीनर इसके हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेब वंडर वुमेन अभियान किसने शुरू किया है? ऑप्शंस हैं फेसबुक, ट्विटर, गूगल या फिर स्नैपचैट। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, ट्विटर। वेब वंडर वुमेन अभियान की शुरुआत ट्विटर द्वारा की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक सुधारों को प्रेरित करने वाली महिलाओं की असाधारण उपलब्धियों को मनाने के लिए आयोजित अभियान वेब वंडर वुमेन का शुभारंभ करने के साथ साथ एक कार्यक्रम भी आयोजित किया। ट्विटर इंडिया के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया भर की उन भारतीय महिलाओं के भाग्य को पहचानना है जिन्होंने समाज के बदलाव लाने के लिए सकारात्मक अभियानों को चलाने के लिए सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग किया है। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं मेनका गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई धरती ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह, हरदीप पुरी। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, हरदीप पुरी। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने ई धरती ऐप लॉन्च किया है, जिसमें तीनों मॉड्यूल रूपांतरण, प्रतिस्थापन और उत्परिवर्तन से जुड़े परिवर्तन को ऑनलाइन किया गया है। भूमि और विकास कार्यालय में भुगतान प्रणाली को भी पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। जनता अब LDO की वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकती है और उन्हें प्रस्तुत होने
पर उनके आवेदनों के पालन के लिए इसके कार्यालय का दौरा करने की आवश्यकता नहीं होगी। श्री पुरी ने ई धरती जियो पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से संपत्ति का ठेकेदार नक्शा दिखाने के साथ ही संपत्ति का मूल विवरण देख सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य ने युवा श्री अर्पण योजना आरंभ की है? ऑप्शन है पंजाब, केरल, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा हाल ही में युवाश्री अर्पण योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत राज्य के 50,000 युवाओं को सरकार की ओर से निजी उद्यम शुरू करने के लिए 1,00,000 रुपए की धनराशि सहायता के तौर पर दी जाएगी। अब ये योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू की है, तो सबसे पहले हम भारत का मैप देखते हैं। देखिए, ये है इंडिया का मैप और इसमें पश्चिम बंगाल, ये है पश्चिम बंगाल, जिसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार और असम राज्य से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, यहाँ के गवर्नर हैं केसरीनाथ त्रिपाठी। जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिम बंगाल भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 14वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात 947 महिलाएँ प्रति 1,000 पुरुष पर है। यहाँ की साक्षरता दर है 76.26, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 81.69% और महिला साक्षरता दर है 70.54%। ये पश्चिम बंगाल के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कैबिनेट ने किस राज्य में कीरू, मिसप्रिंट हो गया है, कीरू पन बिजली परियोजना में निवेश को मंजूरी दे दी है? इसके ऑप्शंस हैं उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को भारत की सरकार ने कीरू पन बिजली परियोजना में निवेश के लिए मंजूरी दे दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने जम्मू कश्मीर में मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कीरू पन बिजली परियोजना, जो कि 642 मेगावाट की होगी, के निर्माण को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर के बारे में जान लीजिए। यहाँ की कैपिटल श्रीनगर, जो कि ग्रीष्म ऋतु में होती है, और जम्मू, जो कि शीत ऋतु में होती है। यहाँ पर वर्तमान में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। जनसंख्या की दृष्टि से जम्मू कश्मीर भारत का 19वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात है 883 महिलाएँ प्रति 1,000 पुरुष पर। यहाँ की साक्षरता दर है 67.16%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 76.75% और महिला साक्षरता दर है 56.43%। इसकी सीमाएं किस किस राज्य से लगती हैं, ये देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य से इसकी सीमाएं लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल के राजशेखरन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन हैं पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, मिजोरम। मिजोरम के राज्यपाल के राजशेखरन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब मिजोरम राज्य का जो राज्यपाल होंगे वो होंगे जगदीश मुखी, जो कि असम के राज्यपाल हैं, और इन्हें अस्थायी प्रभार दिया गया है। केरल में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री राजशेखरन ने मई 2018 में मिजोरम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। मिजोरम के बारे में जान लीजिए। देखिए, मिजोरम की सीमा त्रिपुरा, मणिपुर और असम राज्य से लगती है। यहाँ की कैपिटल है आइजोल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ललथन हवल और जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का 28वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 25वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात 975 महिलाएँ प्रति 1,000 पुरुष पर है। यहाँ की साक्षरता दर है 91.33%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 93.35% और महिला साक्षरता दर है 89.27%। ये मिजोरम के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या फिर 10 मार्च। इसका राइट आंसर होगा
सेकंड ऑप्शन 8 मार्च। यह महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन है जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो थीम है, थीम इम्पॉर्टेंट है, बैलेंस फॉर बेटर इस वर्ष की थीम है 2019 की, ये जरूर आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं कौशल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, कौशल विकास मंत्रालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय उद्यमिता ने महिलाओं की आजीविका में सुधार लाने और उन्हें कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बोलो ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, नोकिया। ये आज के यानी कि 9 मार्च 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस थे। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, आप उसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।